अस्सलाम वालेकुम। ये ब्रीफ सी एक वीडियो है। ये गेट नंबर 316 से लेके 322 के दरमियान का पोर्शन है। सहन है, बाहर का सहन है और जुमा मुबारक है। काफ़ी बड़ी तादाद में कारपेटिंग यहाँ पे कर दी गई है ताकि मुमतरीन उम्रा ज़ायरीन यहाँ पे आके अच्छे तरीके से बैठ के नमाज की अपनी अदायगी कर सकें। बहुत बड़ा सहन है ये। ये वाली साइड जो है आमतौर पे लेडीज़ के लिए होती है कि बिल्कुल स्ट्रेट 318 के वो इंटरनल गेट्स हैं 12, 13, 14 जहाँ से आज जो ख्वातीन हैं, निसा जो हैं, लेडीज़ जो हैं, उनके लिए एंट्री है। बहुत बड़ा मैदान। आज से कोई व्यूअर्स बैक यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में होटल्स हुआ करते थे जो कि डिमोलिश करके पीछे के जो होटल्स हैं, बिग होटल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये बैकग्राउंड में आपको देख भी रहे होंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन में भी हो रहे हैं। तो ये वो आउटर गेट्स हैं 318 से 322 के दरमियान जहाँ पे लेडीज़ आमतौर पे एंटर होती हैं इन गेट्स के थ्रू, आउटर गेट्स के थ्रू, और इंटरनल गेट जो हैं वो 12, 13, 14 हरम के अंदर आने के लिए। तो माशाल्लाह ये उन लोगों के लिए अच्छी अरेंजमेंट है। तो जो लोग यहाँ पे आए ख़ास तौर पे लेडीज़, तो उनके लिए ये माकूल इंतज़ाम यहाँ पे किया जाता है। जुमे के दिन है और बहुत बड़ी तादाद में जुमे के लिए यहाँ मूवमेंट नज़र आ रही है। सिक्योरिटी भी बहुत यहाँ पे इस वक्त इन्होंने की हुई है। खुदाम हजरात अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और सब लोग जुम्मे की तैयारी में मशगूल। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये इंफॉर्मेशन उन ख्वातीन के लिए जो यहाँ पे उम्रे के लिए तशरीफ़ लाती हैं, तो ये अलग से अरेंजमेंट ख्वातीन की, वो आउटर गेट जो उनको सूट करते हैं वो 318 से 322, और इनर गेट जो हैं वो 12, 13 और 14। ये जी इंफॉर्मेशन। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जब कभी आप तशरीफ़ लाएं हमें भी अपनी दुआओं में आप या शामिल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।